देखो नेक्स्ट लेते हैं अब 31 से लेकर 60, इसको हम थोड़ा सा जल्दी पूरा कर लेते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, यहाँ से कोई नहीं, देखो आपके बहुत दिन एग्ज़ाम चलने वाले हैं तो किसी न किसी एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। इस एग्ज़ाम में, आगे के और भी एग्ज़ाम में ये सारे सवाल इम्पोर्टेंट है, आप इनको हमेशा याद रखेंगे। देखो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई। हमारा यहाँ पर संसदीय प्रणाली है, दो तरह की प्रणाली मूलतः है, संसदीय और अध्यक्षात्मक। अमेरिका में कैसी है? अध्यक्षात्मक, और ब्रिटेन में है संसद। तो हमने कहा कौन सी ले रखी है? संसदीय। नहीं बच्चों ऐसे नहीं करते। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो 31 सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये ब्रिटेन से ये प्रणाली ले रखी है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32वां सवाल, राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 30 साल। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? 30 साल। लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 साल। विधानसभा सदस्य बनने के लिए 25 साल। सरपंच बनने के लिए 21 साल। शादी करने के लिए 21 है कि 18 है? 21 18। अगर पुरुष है तो 21 है, पुरुष मतलब लड़का है तो 21 है, और लड़की है तो 18 साल, है ना। 25 साल वाला है। देखो वोट देने के लिए, वोट देने के लिए 18 साल। सरकार चुनने के लिए कोई सरकार बना सकता है? कोई नई सरकार ला सकता है लेकिन नई बीवी नहीं ला सकता है। 18 साल का लड़का सरकार ला सकता है, सरकार लाने की ताकत रखता है लेकिन अपनी बीवी लाने की ताकत नहीं रखता है। तो 18 साल की उम्र में वो नहीं कर सकता है, हालांकि वोट दे सकता है, सरकार चुन सकता है, पत्नी चुनने का अधिकार फिलहाल उसको नहीं है। प्रस्ताव पास कर दे? नहीं करें। चलो अभी तो पढ़ना है, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पर फोकस करो। अभी कहाँ पर फोकस करना है? हाँ ठीक है। अब देखो 32वां सवाल देखिए, राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष हो गई, लोकसभा के लिए 25, विधानसभा के लिए 25, विधान परिषद के लिए 30, राज्यसभा और विधान परिषद। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। 32वें सवाल का आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। देखो यहां से कंफ्यूजन क्या होता है, मिस्टेक हो रहा है, 33वां, बिल्कुल। तो हमने कहां मिस्टेक किया है फिर, ये आयु सीमा वाला छूट गया है। चलो इसको वापस हम लिख देते हैं, 30 वर्ष है और इसके बाद ये 33वां सवाल है, इसमें हम लिखेंगे लोकसभा। देखो इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है वो बताता हूँ। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? पहला ऑप्शन आता है संसद, और हम संसद भर के आ जाते हैं, तो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, किसके? केवल लोकसभा, राज्यसभा इसमें नहीं आता। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति। तो अगर ये सवाल आए कि व्यक्तिगत रूप से किसके, तो फिर लोकसभा नहीं रखना है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति। क्लियर? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट देखिए 34वां सवाल है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन में आपको जीवी मावलंकर ही मिलेगा, तो पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर। ये हमारे लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। अभी कौन है? अभी कौन है? सुमित्रा महाजन। कौन सी लोकसभा चल रही है? 16वीं लोकसभा चल रही है। कौन सी चल रही है अभी? 16वीं। ये मैं जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कौन सी चल रही है? कौन है अध्यक्ष? पहले कौन थे? मावलंकर। नेक्स्ट देखिए, मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? मंत्रिपरिषद, देखो मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो उसको हटाने के लिए भी प्रस्ताव किस में लाएंगे? केवल लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं ला सकते। तो लिख दीजिए लोकसभा में ला सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट सवाल देखिए, किस अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों से जनसंख्या के आधार पर सीटों के आवंटन का उल्लेख है? वीडियो किस किस ने देखे हैं अभी तक जो मैंने बताए हैं? नहीं देखे हैं, मैंने उसमें बताया है अभी कौन सी अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे चौथे वीडियो में आप देख सकते हो, ठीक है।
बहुत महत्वपूर्ण है, अगर नहीं देखा तो सवाल बहुत सारे छूट जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो एक टोटल अनुसूचियाँ कितनी हमारे संविधान में, 12 अनुसूचियाँ, उसमें से अनुसूची 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें लिख रखा कि राज्यसभा में जो सीटें होगी वो जनसंख्या के आधार पर होगी, किसके आधार पर होगी, जनसंख्या के आधार पर, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा उसकी सीटें भी ज़्यादा और जिसकी जनसंख्या कम उसकी सीटें भी कम हैं। तो इसका आंसर है अनुसूची 4। तो क्वेश्चन 36 में हो जाएगा, अनुसूची 4 में ऐसा लिख रखा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन, ये प्रावधान किस देश से प्रेरित है, किस देश से प्रेरित है 12 सदस्यों का मनोनयन। थोड़ा सा मुश्किल टाइप का सवाल है लेकिन बड़े एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा। तो आयरलैंड से लिया गया, कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से जो सवाल आता है वो आयरलैंड से क्या आता है, नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया, कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। तो ये 12 सदस्य चुनना, ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी आयरलैंड से प्रेरित है। ये आयरलैंड देश कहाँ पर है, ये आयरलैंड देश कहाँ पर है, यूरोप में, इंग्लैंड के पास है, ब्रिटेन जो है उसमें ये आयरलैंड भी शामिल है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, संसद में किसी सदन की गण पूर्ति के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, ये का ये सवाल रीट में छपा था, ये का यही सवाल, 1/10 सदस्य। संसद में किसी सदन की गण पूर्ति के लिए कितने सदस्य, जितने भी सदस्य हैं उसके 1/10 सदस्य जरूरी है, अगर वो नहीं आते हैं तो सदन नहीं चलेगा। तो कितने सदस्य, तो लिख देते हैं कुल सदस्यों के 1/10। वो बाद में देखेंगे, ठीक है, अभी यहां पर आगे बढ़ते हैं। देखो, किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, कौन सा, राज्यसभा। लोकसभा का अध्यक्ष कहां से आता है, लोकसभा से ही चुना जाता है, ठीक है। विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा से चुना जाता है। विधान परिषद का अध्यक्ष, वो भी विधान परिषद से आता है, विधान परिषद का अध्यक्ष। लेकिन राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति उस सदन से नहीं आता है, समझ में आ रहे हैं। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है, लेकिन वो उस सदन से नहीं चुना जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज्यसभा। 39वां है ना, तो लिख देंगे राज्यसभा, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है, 550। सवाल ढंग से पढ़िए, देखो कंफ्यूज करने वाला सवाल है। सवाल क्या पूछा है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, 2 सदस्य तो मनोनीत होते हैं ना, तो लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो, कितने, लेकिन 2 सदस्य मनोनीत होते हैं, इसलिए निर्वाचित सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं, 550। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा 550। ये सवाल ऐसे होते हैं, ऐसे इसलिए दिए क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे कंफ्यूज करने वाले सवाल आएंगे, हम जल्दबाजी में 552 करेंगे, सही आंसर क्या है, हम सोचेंगे यार सही करके आए गलत कैसे हो गया, ये ऐसे हो जाता है, क्लियर। संसद की कौन सी विशिष्ट प्रणाली भारतीय संसदीय व्यवस्था की उपज है, इस पर आप इंपोर्टेंट लगा सकते हो, शून्यकाल, वेरी गुड। संसद की कौन सी ऐसी विशिष्ट प्रणाली है जो भारतीय संसदीय व्यवस्था की उपज है, हमने भारत ने ही ऐसी व्यवस्था बनाई है, बाकी सारी व्यवस्था तो दूसरे देशों में भी होती है, हमने अपना ली है, लेकिन ये व्यवस्था जो भारत ने अपनी तरफ से बनाई है उसका नाम है शून्यकाल। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, शून्यकाल। मुझे पता है कईयों के जिन्होंने पॉलिटी नहीं पढ़ी है समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम जो ये पढ़ रहे हैं बात, अभी सर आप इसका सवाल देखिए, ये सवाल सीधे सीधे पूछ जाएगा, सीधे सीधे याद रखना है कि कौन सी ऐसी प्रणाली है जो भारतीय संसदीय व्यवस्था की उपज है, क्या नाम है, शून्यकाल, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। पहली बात तो समझते हैं कि मंडल आयोग क्या है, एक कमीशन बिठाया था
यहाँ ओबीसी को आरक्षण कितना मिला हुआ है, 21% या 27%? राज्य में तो 21% मिला हुआ है, राजस्थान में, राज्य का मतलब हम राजस्थान की बात कर, राजस्थान में तो 21% है लेकिन केंद्र में कितना है, 27%। ये ओबीसी को आरक्षण कब मिला था, जब देश आज़ाद हुआ तब से है या बाद में? बाद में मिला था 1990 में, ठीक है। ये इस बीपी मंडल जो आयोग थे उनकी सिफारिश के आधार पर ही, मंडल कमीशन था उसने सिफारिश की थी, जो कुछ लोग पिछड़े वर्ग में है, एससी एसटी को तो शुरू से आरक्षण था, एससी एसटी को शुरू से आरक्षण था, बाद में कुछ पिछड़ी जातियां और थी जिनको भी आरक्षण की जरूरत पड़ी, तो वो कौन कौन सी जातियां हैं उनकी स्टडी की थी मंडल आयोग ने, बीपी मंडल, ब्रजेश्वर प्रसाद मंडल इनके अध्यक्ष थे, उन्होंने स्टडी करके बताया 3-4 हज़ार जातियाँ ये भी है जिनको भी आरक्षण की जरूरत है। बाद में किसी प्रधानमंत्री ने आकर वो आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी। वो प्रधानमंत्री कौन थे, वीपी सिंह थे, कौन थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 42वां का आंसर हो जाएगा वीपी सिंह। वीपी सिंह लगभग 1 साल के लिए लगभग प्रधानमंत्री बने थे, उस दौरान वो एक बड़ा महत्वपूर्ण काम करके गए जिनकी लड़ाई आज तक चल रही है। कभी गुजर कहते भाई हमें आरक्षण कम मिल रहा, गुजरात में पटेल आंदोलन कर रहे हैं, महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन कर रहे हैं, हरियाणा में जाट आंदोलन कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं, वीपी सिंह नहीं, आरक्षण की वजह से, किसकी वजह से, आरक्षण की वजह से। वीपी सिंह ने तो अपनी तरफ से अच्छा काम किया, पिछड़े को ऊपर उठाना अच्छा काम है कि बुरा काम है, अच्छा काम है कि बुरा काम है, पिछड़े लोगों को ऊपर उठाना अच्छा काम है कि बुरा काम है, अच्छा काम है, हाँ तो उन्होंने तो अच्छा काम किया, लेकिन अभी लड़ाइयाँ हो रही है, ठीक है। देखो आगे देखते हैं, मंडल आयोग बना था बीपी मंडल की अध्यक्षता में, उन मंडल आयोग ने कहा था कि पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। वीपी सिंह उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया, क्लियर नहीं हुआ। वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया और ओबीसी को, अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग को कितना परसेंट आरक्षण दिया, 27%। राज्यों में अलग अलग जनसंख्या के हिसाब से अलग अलग आरक्षण हो सकता है। मंडल आयोग उनके नाम से है, बीपी मंडल उनका नाम था, ये जो मंडल है उनका नाम था बीपी मंडल, ब्रजेश्वरी प्रसाद मंडल, ठीक है। आगे देखते हैं, 61वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, क्वेश्चन नंबर 43। 61वां बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया और भी पूछा जाएगा। 61वां संविधान संशोधन पहली बात कब हुआ था, 61वां संविधान संशोधन, उल्टा लिख दिया मैंने, 61वां ऐसे संविधान संशोधन 1989 में हुआ। 1989 में सरकार किसकी थी, राजीव गांधी, देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन, राजीव गांधी। राजीव गांधी को लगा यार अब चुनाव वापस होने वाले हैं, खुद युवा थे तो क्यों नहीं ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोगों को और शामिल किया जाए वोट देने के लिए। पहले 21 साल के लोग वोट दे सकते थे, उन्होंने क्या कर दिया कि इसको घटाकर 18 कर देंगे, तो 3 साल में तो 3 करोड़ से ज़्यादा लोग शामिल हो जाएंगे, और 3 करोड़, राजीव गांधी बड़े स्मार्ट दिखते थे मेरे जैसे ही, है ना, तो वो सोचे भी क्यों नहीं भाई इनके वोट भी मिल जाए, तो उन्होंने क्या कर दिया 21 साल से घटाकर क्या कर दिया 18 कर दिया। फिर भी स्मार्ट लोगों को कौन वोट देता है ना, तो ये देखो तो किसको देते हैं फिर, मोदी स्मार्ट है कि नहीं है, ललित मोदी या नीरव मोदी, अच्छा थोड़ा सा पेट बाहर है, स्मार्ट होने के लिए पेट अंदर होना चाहिए, ये किसने कह दिया, स्मार्ट होने के लिए पेट अंदर होना चाहिए, ये डेफिनेशन कहाँ से आ गई, सलमान खान स्मार्ट है, स्मार्ट किसको बोलते हैं, हिंदी अर्थ बताना मुझे जरा स्मार्ट का, इधर नहीं देखना मेरी तरफ देखिए, स्मार्ट का हिंदी अर्थ बताना मुझे, हैं अच्छा अच्छा को तो गुड बोलते हैं, चलो बाद में डिस्कस करेंगे। 21 वर्ष से घटाकर मतदान की उम्र क्या लिखेंगे, मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी, अब कितने उम्र के लोग वोट दे सकते हैं, 18 वर्ष। चलो नेक्स्ट देखते हैं, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री दीपक मिश्रा, देश के 45वें चीफ जस्टिस है, लिख दीजिए श्री दीपक मिश्रा। 44वां सवाल है लेकिन वो अभी 45वें चीफ जस्टिस है।
श्री दीपक मिश्रा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, शॉर्ट में ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है, ये भी शब्द आ सकता है, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 65 साल। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज कब रिटायर होगा? 65 साल की उम्र में। कब रिटायर होगा? 65। सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें, और हाई कोर्ट का है तो 62 साल, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो 65 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन अपने पद से हटा सकता है? उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश है उनको कौन अपने पद से हटा सकता है? क्या राष्ट्रपति हटा सकता है? क्या उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हटा सकता है? क्या नहीं हटा सकता है? किसी उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश है, उसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या उसको अपने पद से हटा सकते हैं? क्या नहीं हटा सकते हैं? उसके चीफ जस्टिस के पास पावर नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस किसी भी हाई कोर्ट के जस्टिस को हटा सकते हैं? क्या नहीं हटा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भी ये पावर नहीं है कि किसी हाई कोर्ट के जस्टिस को हटा दे, तो कौन हटा सकता है? नहीं, राष्ट्रपति भी नहीं हटा सकता है। पूरे देश की जनता, उनके चुनावे प्रतिनिधि संसद में बैठते हैं, तो पूरे देश की जनता तय करती है उनको हटाने के लिए, तो संसद हटा सकती है। कौन हटा सकती है? बहुत बड़ा संवैधानिक पद है, तो कौन हटा सकती है? संसद उनको पद से हटा सकती है। कैसे? जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। तो नेक्स्ट इसका आंसर लिख दीजिए, किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए संसद महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद, कैसी? महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तीनों ही याद होने चाहिए। राजस्थान राज्य से लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी है? लोकसभा से कितनी है? राजस्थान से लोकसभा की सीटें कितनी है? 47। क्वेश्चन 47 छूट रहा है, कोई बात नहीं, आप 48 का आंसर बता दीजिए मुझे। राजस्थान राज्य से लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा सदस्यों की संख्या लोकसभा से कितनी है? 25। राज्यसभा से कितनी है? 10। और विधानसभा से कितनी है? 200। बहुत बढ़िया। इसके ऊपर वापस 47 में देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा उसको शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। तो हम 47 में लिख देंगे राज्य का राज्यपाल, जिस राज्य का चीफ जस्टिस होगा उसका राज्यपाल, ठीक है। और 48 में हमने क्या देखा, लोकसभा से राजस्थान से सीटें कितनी है? 25। राज्यसभा से कितनी है? 10। और विधानसभा से कितनी है? 200। क्लियर, ये तीनों तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। लोकसभा से राजस्थान से 25 सीटें होती है, राज्यसभा से 10 सीटें, और विधानसभा में 200 सीटें हैं। इनको मिटा देते हैं इस तरफ से। अच्छा, अपना काम चालू है कि नहीं है? काम चल रहा है? कौन सा, पढ़ाई वाला ही? अच्छा, देखते हैं आगे। नेक्स्ट कौन सा सवाल है अभी, 49। राज्यपाल को किस प्रकार अपने पद से हटाया जा सकता है? ये इम्पोर्टेंट सवाल है, पिछली बार एक एग्ज़ाम में पूछा गया है यही सवाल, महत्वपूर्ण है, बताइए। इसका आंसर में कन्फ्यूजन होता है, राज्यपाल को अपने पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 49, संविधान में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? तो पहली बात, संविधान इसके बारे में मौन है। क्या है? संविधान में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि राज्यपाल को अपने पद से कैसे हटा सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, तो बड़ा दुरुपयोग होने लगा, संविधान में लिखा हुआ ही नहीं है। तो अभी राज्यपाल को अपने पद से कैसे हटा सकते हैं? राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, राष्ट्रपति आदेश जारी करके राज्यपाल को हटा सकता है। तो पहली बात, संविधान में कोई भी उल्लेख राज्यपाल को हटाने के लिए नहीं है, ये सवाल पूछा गया था पिछली बार। तो इसका आंसर है राज्यपाल को पद से हटाने के लिए संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है। तो कैसे हटा सकते हैं? राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा इसको हटा सकता है, आदेश द्वारा, ठीक है, हटा सकता है।
लेकिन राष्ट्रपति भी वास्तव में डिसीजन नहीं लेता है। वास्तव में डिसीजन कौन लेता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति तो बेचारा क्या होता है, क्या होता है, जैसे घर में बड़ा बहुत बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, जिसका आशीर्वाद तो सबको लेना है लेकिन उनका कहना कोई भी नहीं मानते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से राष्ट्रपति की स्थिति है, मानते हैं क्या? कोई कोई मानते हैं बड़े। हाँ चलो आगे देखते हैं। किसी राज्य के विधान परिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? पहले तो मुझे बताइए पूरे देश में कुल कितनी विधान परिषद है? 7 राज्यों में विधान परिषद है। उस विधान परिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? विधानसभा के 1/3। उस राज्य में विधानसभा में जितने भी सदस्य उसका 1/3, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो लिख दीजिए उस राज्य की विधानसभा सदस्य के अधिकतम 1/3। 1/3, आप 1/3 याद रखेंगे। किसके 1/3 है? सारे विधानसभा सदस्य। किसमें? विधान परिषद में। जैसे राजस्थान ने अपना जो प्रस्ताव भेजा, राजस्थान में विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 200। तो अधिकतम 1/3 हो सकता है। 200 का 1/3 कितना होता है? 66.66, ऐसा होता है। तो 67 हो सकते हैं, लेकिन राजस्थान ने जो अपना प्रस्ताव भेजा उसमें 66 का भेजा है। कितने का भेजा है? 66 का। नेक्स्ट देखते हैं। तेतरवा संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। लिख दीजिए इसको, पंचायती राज। 73वां और 74वां दोनों ही पता होना चाहिए। 74वां किससे संबंधित है? नगर निकाय से संबंधित है, नगर पालिका अधिनियम से संबंधित है। 52वां सवाल कल ही डिस्कस किया, ग्राम सभा का गठन किससे मिलकर होता है? देखो बार बार रिपीट क्यों हो रहे हैं सवाल, क्योंकि ये एग्जाम में भी रिपीट होते हैं। ग्राम सभा का गठन किससे मिलकर होता है बताइए वापस? ग्राम सभा का गठन किससे मिलकर होता है? उस गांव के सभी पंजीकृत वयस्क मतदाताओं द्वारा। तो लिख दीजिए, गांव के सभी वयस्क पंजीकृत मतदाता। हाँ 1992, ये 1992 में अधिनियम लाया गया, 1993 में पारित होता है, ठीक है। ग्राम पंचायत को वित्त का आवंटन, वित्त का मतलब क्या होता है? पैसा, ठीक है, सीधी सी भाषा में पैसा। ग्राम पंचायत को वित्त का आवंटन किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है? राज्य वित्त आयोग। तो 53 का आंसर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। एक तो केंद्र में वित्त आयोग होता है, एक राज्य में वित्त आयोग होता है। केंद्र में वित्त आयोग होता है वो क्या काम करता है? वो राज्यों के बीच में पैसों का बंटवारा करता है। केंद्र और राज्य के बीच में कितना पैसा आएगा? राज्य में भी वित्त आयोग बना है, वो क्या करता है? पंचायतों को नगर पालिका को कितना पैसा मिलेगा ये कौन करता है? राज्य वित्त आयोग। कौन सा अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 243, क्योंकि हम राज्य वित्त आयोग की बात कर रहे हैं, केंद्र की नहीं। राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 ज, इसमें लिखा हुआ है। मन नहीं लग रहा है क्या? चलो आगे देखते हैं। अब देखो मन कैसे लगाए। कोई स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर कभी कभी क्लास में मजा नहीं आता। अब मुझे समझ में नहीं आता, यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं कि मजे लेने के लिए आते हैं? किस लिए आते हो? कुछ लोग मजे लेने के लिए आते हैं, मजा कहाँ से दूं मैं, है ना। तो मैं पढ़ा सकता हूँ यार, वो बस वही काम कर सकता हूँ, वही काम कर रहा हूँ। देखो आगे देखते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायत व नगर निकायों का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में पंचायत व नगर निकायों का उल्लेख है? तो देखो कौन सा है सही आंसर है क्या? भाग 9। हाँ भाग 9। 9 है या 9 क है? 9 क है। नगर निकायों में 9 क है और पंचायत में 9 है। तो देखो अगर पंचायत की बात कर रहे हैं तो पंचायत भाग 9 में शामिल है। किसमें है? भाग 9 में। और नगर निकाय में? भाग 9 क।
तो भाग नौ क, क्लियर। तो दोनों अलग अलग है, पंचायत भाग नौ में है, बाद में ये भी जोड़ा गया नगर निकाय भाग नौ क, क्लियर। नेक्स्ट सवाल, जिला प्रमुख पद हेतु, हर जिले में जिला प्रमुख भी है, जिला परिषद का जो प्रमुख होता है उस हेतु राजस्थान में, किसकी बात कर रहे हैं, सभी राज्यों में नहीं है, राजस्थान में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता क्या है। पॉलिटिकल साइंस बीए। जिला प्रमुख बनने के लिए क्या होना चाहिए, दसवीं पास। पॉलिटिकल साइंस में नहीं होगा तो भी चलेगा, ठीक है। पहले तो अनपढ़ ही जा सकते थे, लेकिन अब क्या कर दिया, जिला प्रमुख बनने के लिए दसवीं पास होना जरूरी है। अगर आदिवासी एरिया है तो आठवीं पास, तो आप लिख सकते हैं आदिवासी क्षेत्र, ये मुख्यतः टीएसपी क्षेत्र में आता है, तो ये आठवीं पास हो जाएगा। ऐसे ही सरपंच के लिए क्या है, आठवीं पास, और आदिवासी क्षेत्र में पांचवी पास। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में कुल कितने नगर निगम है, सात नगर निगम है, जितने सात संभाग है उसी के जो मुख्य शहर है वो सात नगर निगम है, ठीक है। जैसे जयपुर, जोधपुर, कोटा, ये शुरुआत में बने थे, उसके बाद फिर उदयपुर है, अजमेर है, बीकानेर है, और लास्ट में क्या बना है, भरतपुर। तो सात नगर निगम है, सात ही संभाग है, तो 56 में हम आंसर लिख सकते हैं सात। नेक्स्ट देखिए, 57 में न्यूनतम कितनी जनसंख्या पर पंचायत समिति का गठन हो सकता है, 1000। देखो पंचायती राज में तीन स्तर थे, सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, बीच वाले स्तर पर, और सबसे ऊपर ग्राम पंचायत। 3000 की जनसंख्या भी हो तो ग्राम पंचायत का गठन हो सकता है मिनिमम, पंचायत समिति के लिए, पंचायत समिति के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए किसी भी पंचायत समिति, 20,000 से 1,00,000 नहीं, 1,00,000 कम से, 20,000 से ज्यादा होने पर तो ग्राम पंचायत नगर पालिका बन सकती है, 1,00,000 मिनिमम कितनी चाहिए, 1,00,000। तो इसका आंसर लिख दीजिए, कम से कम 1,00,000 जनसंख्या होने पर किसी पंचायत समिति का गठन हो सकता है, क्लियर। ग्राम पंचायत के लिए कितना, 3,000, पंचायत समिति के लिए 1,00,000, और जिला परिषद के लिए 4,00,000, कितने, 4,00,000। तो पंचायत समिति के लिए 1,00,000 जनसंख्या कम से कम होनी चाहिए, तो 1,00,000 जनसंख्या। 58, 11वीं और 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 11वीं में है 29 विषय, 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, देखो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख दीजिए, 11वीं में 29 विषय हैं और 12वीं में कितने हैं, 18 विषय हैं, यानी नगर निकायों को 18 विषय दे रखे हैं और पंचायती राज को 29 विषय पर वो काम कर सकते हैं। 59वां सवाल, बहुत महत्वपूर्ण है, अभी मैंने कहा पूछा जा सकता है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, क्या लिखना है, ये अधिनियम है, विधेयक की बात नहीं कर रहे, विधेयक 122वां था, ये 101वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, जीएसटी से। अब एक देश में एक नया टैक्स आया है, पहले वाले सारे इनडायरेक्ट टैक्स को हटाकर एक नया टैक्स कौन सा बना दिया, गब्बर सिंह टैक्स, कौन सा, जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स। ये नाम है क्या, ये नाम नहीं, क्या नाम है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बहुत अच्छे। तो इस 101वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है जीएसटी अधिनियम, किससे संबंधित है, जीएसटी। इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है, क्या नाम है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका हिंदी में नाम बताना जरा, हिंदी में नाम क्या होगा, वस्तु और सेवा कर। हिंदी में भी अच्छे से नाम याद होना चाहिए, वस्तु और सेवा कर से संबंधित है, ठीक है। विधेयक पूछे तो विधेयक 122वां था, लेकिन आपको अधिनियम पूछा जाएगा 101वां। लास्ट सवाल डिस्कस कर रहे हैं, अपना ध्यान यहाँ दीजिए, यहाँ पर, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, पंचायती राज से। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ, पीवी नरसिम्हा राव। किसके कार्यकाल में, 1991 से लेकर 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, 92 में ये हुआ। तो लास्ट लिख दीजिए, पीवी नरसिम्हा राव। क्लियर, क्लियर हो गया। तो ये टोटल 60 सवाल, यहां से देखो
आपके जो एग्ज़ाम है इसमें बहुत कम सवाल पूछे जा रहे हैं पॉलिटी से, लेकिन आप अगर दूसरा कोई भी एग्ज़ाम देते हो जिसमें इंडिया जी का आती है, ये पॉलिटी के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ऐसे सवाल है जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इन सवालों को आपको अच्छे से करना है, चाहे तो आप मुझे वीडियो देखकर वापस रिपीट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।